हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस वाला। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। सभी दोस्तों को जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप भी सीआरपीएफ ट्रेडमैन के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो वैकेंसी 9,360 पदों पर निकल के आई हुई थी, बाद में वैकेंसी को डिक्रीज किया गया, अगर आप इस भर्ती का इंतजार कर रहे हो तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। और सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाली है, तो वीडियो कम्प्लीट जरूर देखिएगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती निकल के आई हुई थी, तो उसमें अगर बात की जाए तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती, लेकिन बाद में यहाँ पर कुछ पोस्ट और ऐड कर दी गई थी। इसके बाद एक और वैकेंसी कांस्टेबल डॉक्टरी की वैकेंसी, ध्यान दीजिएगा, कांस्टेबल डॉक्टरी, पॉन फ्रेशर और सफाई कर्मचारी मिनिस्ट्रियल, ये सारी वैकेंसी जो है बाद में ऐड की गई। तो क्या इसका कट ऑफ जो है ट्रेडमैन की भर्ती से मिलाकर बनाया जाएगा, या फिर कट ऑफ यहाँ पर अलग से रहेगी, क्योंकि इसकी हाइट भी कम है इस भर्ती में। अच्छा, 165 सेंटीमीटर है तो भी अप्लाई कर सकता है। अगर आपकी हाइट 177 सेंटीमीटर है तो आप सभी ट्रेडमैन के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाली हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, आपको बता दें, जिस प्रकार से जब इसका एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे यूथ आपको बता रहे हैं कि कट ऑफ कितना रहेगा किसका, लेकिन आप सभी को बता दें कि अब आपका कट ऑफ यहाँ पर चेंज होते हुए दिखेगा। कट ऑफ आप सभी का कम जाएगा। कम जाने के लिए रीज़न क्या है कि भर्ती जो है धीरे धीरे करके यहाँ पर डिले होते जा रही है। ठीक है, कोई भी यहाँ पर अपने फिजिकल की तैयारी को नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। आपको बता दें, किसी भर्ती में 5 किलोमीटर रनिंग है किसी पोस्ट में, और किसी पोस्ट में यहाँ पर 1600 मीटर रनिंग है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, समय में भी कुछ अंतर दिया गया है। 5 किलोमीटर रनिंग है जो 24 मिनट में क्वालिफाई करना है, और 1600 मीटर रनिंग है जो 10 मिनट में क्वालिफाई करना है, 6 मिनट में क्वालिफाई करना है किसी, 7 मिनट में क्वालिफाई करना है। ट्रेड वाइज यहाँ पे आप सभी की रनिंग है जो रहने वाली है, इसकी मैंने डिटेल से वीडियो बना दी है, आप सभी यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते हैं। सीआरपीएफ ट्रेड टेस्ट फिजिकल, इतना बस लिखिए, आप सभी को वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में सीआरपीएफ अब ट्रेड रिजल्ट देखने को कब मिलेगा। देखिए, रिजल्ट के इंतजार करने वाले अब सबसे लाखों बच्चे, ठीक है, लेकिन कोई फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि रिजल्ट जो है आप सभी को जून के महीने में देखने को मिलने वाला है, जो कि आप सभी को तैयारी अब करोगे नहीं क्योंकि आप सभी को बिलीव नहीं है। लेकिन अगर आपको बताना चाहूँ तो जून के महीने में आप सभी का रिजल्ट आएगा, और फिजिकल आप सभी का जून के लास्ट वीक में शुरू भी हो जाएगा। किसी भी भर्ती को लेकर इतना डिले नहीं होता जितना सीआरपीएफ में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी आपको बता दें कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल का भी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अभी सीआरपीएफ में अगर बात की जाए, सिर्फ ट्रेडमैन की वैकेंसी है जिसका प्रोसेस अभी चल रहा है। तो अगर आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन का पेपर दिए हैं, अगर आपको भी लगता है कि हमारा नाम आ जाएगा, अगर आपका भी 55 से 60 क्वेश्चन के बीच में अगर आपने सही किए हैं, तो आपका भी इसमें नाम आ सकता है। अपने फिजिकल की तैयारी को यहाँ पर करिए। फिजिकल तैयारी कोई नहीं कर रहा, अचानक रिजल्ट आएगा, उसके 20 दिन के अंदर आप सभी का फिजिकल शुरू हो जाएगा। तो अधिकतर बच्चे जब फिजिकल डिस्क्वालीफाई होंगे तो यहाँ पर रिजल्ट का सेकंड लिस्ट भी जारी होगा, और जिसकी वजह से कट ऑफ और कम करके बच्चों को फिजिकल के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। तो आप सभी भी यहाँ पर तैयारी करते रहिए। फिलहाल आप सभी ने किस ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, कुक, बारबर, रेगुलर या ड्राइवर, किस ट्रेड के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उस ट्रेड के बारे में आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आऊँगा हर ट्रेड का, कि आप अपना ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। सीआरपीएफ में ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करने का मतलब यह है कि आप सभी जितनी मेहनत रिटर्न एग्जाम में कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा मेहनत आप सभी को ट्रेड टेस्ट में भी करनी पड़ेगी। आपको बता दें, जिस वक्त आप सभी का फिजिकल होगा, उसी वक्त आप सभी का ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पर होगा। तो ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप सभी यहाँ पर फेल हो जाओगे। तो अगर आप सभी फेल होना नहीं चाहते हो तो अपना ट्रेड टेस्ट की तैयारी जो है आज से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपने रिटर्न जो दिया है उसी के बेसिक पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। लेकिन इस भर्ती में कट ऑफ जो है आप सभी को देखने को, किसी न किसी ट्रेड का आपको कट ऑफ जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगा, जिससे आपका भी यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए फिर, आज की वीडियो हमारी यहीं तक की थी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। जून के महीने में आप सभी का रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जून के लास्ट वीक में आप सभी को फिजिकल में भी बुलाया जा सकता है। तो कट ऑफ जून के लास्ट वीक में आप सभी को फिजिकल में भी बुलाया जा सकता है, तो कट ऑफ कम जाएगा, आपका भी नाम आ सकता है। तो अगर आप फिजिकल तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो आप जानो आपके कम जाने, क्योंकि अगर आप तैयारी करेंगे तभी आप फिजिकल क्वालिफाई कर पाएंगे। और यही दौर चल रहा है, क्योंकि आपको बता दें, अगर ये इलेक्शन ना होते तो सभी की भर्ती का रिजल्ट आ जाता और फिजिकल भी अभी चल ही रहे होते, लेकिन इलेक्शन के चलते यहाँ पर आप सभी का ना तो रिजल्ट आया और ना ही फिजिकल शुरू हुआ। लेकिन यहाँ से 4 जून को रिजल्ट आएगा, जिसका
आएगा इलेक्शन का रिजल्ट, जैसे 4 जून को आएगा उसके बाद सीआरपीएफ ट्रेडमैन का यहाँ पे भर्ती का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के 20 दिन के अंदर आप सभी का फिजिकल भी शुरू कर लिया जाएगा। तो देखिए सारी अपडेट आप सभी पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए ताकि आप सभी इस भर्ती में सिलेक्शन पा जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।